इसकी तब्दील में नहीं है, मतलब मेरा बेनयाज मौला बेनयाजी से मुझ
का हुसैन मसीहत से मशवरा तो कर ले का छे दे दी का हुसैन अल्लाह से तो कुछ का साथ दे दी सलावत पढ़े एक मरतबा सवाली हाथों को जोड़कर खड़ा हुआ कहा मौला बस बहुत है बहुत है बस जैसे उसने कहा मौला बस बहुत है तो एक मरतबा मेरे मौला हुसैन ने सवाली का चेहरा देखा है कि मुलाकात का उस मेरे बहे कर्म ने कंकर फेंक कर झोली की छोटी झोली काश तो चुप रहता कमजोरी न करता तो मैदान कयामत में औलादे आदम लेकर आई मौला
एक फिक्रा कार बाप रबा इतना बता दो कि तुमने मेरे लाल से कहा क्या है, कहा क्या है कि तो रोने के लिए नहीं मर जाने के लिए जुमला काफी है। कहा रबा तुमने मेरे लाल से कहा क्या है। जनाब रबाब ने हाथों को जोड़ा एक फिक्रा कार का आपका मैंने अपने आप बच्चे से तीन वसीयतें की। पहली वसीयत मैंने ये की है कि मेरे लाल जब तुम शहीद हो जाओगे और जाओगे तो तुम्हारी दादी तुमसे पूछेंगे कि यार यसरत तुम्हारे मुँह क्यों नहीं घुराया था तुम्हारा, तो हाथों को जोड़ कर कहना दादी से मैं पानी नहीं था, अल्लाह पर दादी से मैं पानी नहीं था। और दूसरी वसीयत ये की है कि ए मेरे लाल जब तीरे हुरमुला आए तो रोना नहीं, ताकि पता न चले कि मेरे सैयद दादी का खून है, मेरे लाल मुस्कुरा देना। और तीसरी वसीयत ये की है कि ए मेरे लाल जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे दादा जामे कौसर लेकर आएंगे, आप दादा जामे कौसर से सैराब करेंगे। जब दादा जामे कौसर लेकर आए तो नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ कर कहना दादा मेरा बाबा बहुत प्यासा है, बाबा से पहले पानी को मुन्ना लगाना। अल्लाह अकबर भाई बटो हुसैन दादा ने का सवाल किया हमें खत्म हो गई, दादा ने अबा का सवाल किया मक्तल में आए, भाई पानी का सवाल किया सवाल आप किया हुसैन के जवाब का सवाल, भाई सवाल का जवाब जबान से नहीं दिया गया। हुरमुला ने तीन ढाल का तीन कमान में जोड़ा, रवायत का जुमला यह है कि इधर हुरमुला ने अस्तर का निशाना लिया, उधर रबाब ने दर खेमा से इस मंजर को देखा, आवाज दिया अस्तर होशियार अरे हुरमुला निशाना दे रहा है, हे मेरे लाल अगर तीन